हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहू। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई पॉडकास्ट को लेकर के। बीच में 4-5 दिनों तक मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी। हमारा फेस्टिवल चल रहा था, आप लोगों को पता ही है कि रामनवमी की फेस्टिवल हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है, तो उस फेस्टिवल की वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, जिस वजह से मैंने पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाया। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को आई एम रियली रियली सॉरी, जिन लोगों ने भी मेरा पॉडकास्ट मिस किया है। तो चलिए, अब बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बढ़ती हूँ अपने पॉडकास्ट में आगे उस टॉपिक के साथ, जो टॉपिक अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, यानी कि जनाब एंड फरा मैडम के रिलेशनशिप की। जी हाँ, अभी तक तो आप लोगों को चर्चा सिर्फ जनाब एंड मैडम की मिलती थी, लेकिन अब उसमें एक नया पर्सन ऐड हो गया है, जो कि है फरा मैम। आप लोग सब जानते होंगे कि फरा मैम ने अपना यूट्यूब चैनल नया बनाया है, एंड उसमें उन्होंने 3 वीडियोस अभी तक डाली है। एक वीडियो तो उन्होंने कल रात ही डाली थी, कल शाम को उन्होंने एक वीडियो डाली थी, जिस पे वो दिखा रही थी कि वो इफ्तार करने के लिए जनाब एंड मैडम के घर गई थी। सो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि यही रीज़न होगा या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है कि क्यों फरा मैम जनाब के, मतलब हर एक परफॉर्मेंस में उसे वाहवाही देती थी। इवन जनाब भी फरा मैम के पीछे, मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट को लेने के पीछे इतने पागल थे कि कुछ भी परफॉर्म कर दूंगा तो फरा मैम तो मुझे अच्छे मार्क्स दे ही देंगी। तो इनका जो आपस में सेटिंग चल रहा था, जो कि उड़ती उड़तड़ी, मतलब सबको ये खबरें मिल चुकी थी कि कुछ तो लोचा ज़रूर है फरा मैम एंड जनाब के बीच में, या फिर झलक के शो एंड जनाब के बीच में, कि ये कुछ भी करते हैं, कितनी भी उलझुलूल फिजूल हरकत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, एंड झलक का जो शो है वो जनाब के शो से जाना जा रहा था। ये चीज़ सबको लग रही थी कि कुछ तो चल रहा था इनके बीच में, एंड वो चीज़ अब उभर उभर करके सामने आ गई है। जनाब ने अपने यूट्यूब चैनल पे फरा मैम का जो वीडियो है उसे उसका लिंक डाला है। मतलब आप लोग सोचो कि जो इंसान आज तक अपनी कम्युनिटी में अपना कोई वीडियो का लिंक नहीं डाला है, वो दूसरी किसी और लेडी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल करके उसे पब्लिक कर रहे हैं, उसे मतलब बहुत ज़्यादा वायरल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जनाब ने अपनी स्टोरीज़ में भी ये चीज़ें डाल करके रखी हुई है। फरा मैम के चैनल पे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी लोग उन्हें देख रहे हैं, आप उनके एक बार कमेंट सेक्शन में जा कर के पढ़ो, कोई ये नहीं कह रहा है कि उनके वीडियो में क्या है। उनका जो फर्स्ट वीडियो है, उन्होंने अपनी एक कुकिंग की रेसिपी शेयर की है, एंड आप सब जानते हो कि फरा मैम कुकिंग के लिए कितनी फेमस है। मतलब जिसको भूख नहीं भी होगा ना, अगर वो फरा मैम के घर पे चला जाता है तो बिना खाए वहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि उनकी खुद की टैलेंट कुकिंग को लेकर के बहुत अच्छी है। इवन उनके घर पे जो मेड काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा कुक करते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फरा मैम कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बात जो हो रही थी कि फरा मैम ने अपनी एक कुकिंग की रेसिपी डाली है, तो जितने भी लोगों ने उनके चैनल पे जाकर के देखा, उनके उस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आए, वो सब सिर्फ और सिर्फ जनाब के वजह से थे। बिकॉज़ जनाब ने अपने इंस्टा की स्टोरी पे डाल दिया था ये चीज़ कि फरा मैम ने एक नया चैनल चालू किया है, फरा मैम अब यूट्यूब पे आ गई है, फरा मैम ने एक अपना वीडियो अपलोड किया है। एंड जब उनके आप वो कुकिंग वाले ब्लॉग पे जा कर के देखोगे ना, तो नीचे जो भर भर के कमेंट थे वो ये नहीं थे कि फरा मैम ने कैसी कुकिंग की, या फिर फरा मैम ने क्या डिश बनाया, या फिर कितना टेस्टी था, या फिर उनके ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी कमेंट नहीं था। बल्कि अधिकतर कमेंट बस यही थे कि आप कहाँ से आए हो, मैं उसके चैनल से आया हूँ। एंड अधिकतर लोगों ने लिखा कि मैं जनाब के चैनल से आया हूँ, मैं जनाब की इंस्टा स्टोरी देख करके आपके चैनल पे आया हूँ। तो जनाब ने भर भर के प्रमोट किया है फरा मैम को,
अब इसके पीछे इसका मेन मोटो क्या है वो तो आप सब जानते हैं कि जनाब किसी भी तरह बॉलीवुड में घुसना चाह रहे हैं, कि एक फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई तो क्या ही हुआ, नया फिर से कोशिश करके देख लेते हैं। बिकॉज़ जिस जिस भी लोगों के साथ में फराह मैम, साजिद खान इन लोगों ने काम किया है, वो बॉलीवुड में अपना नाम ज़रूर बना लेते हैं। इसलिए जनाब ने अब टारगेट बनाया है टोटली फराह मैम को कि किसी तरह इसे अपने झांसे में लेना है, इसको प्रमोट कर दो, इसके वीडियोस को वायरल करवा दो। मतलब मैडम के अभी तक 3 वीडियोस आ चुके हैं एंड तीनों को जनाब ने अपनी स्टोरी पे डाला हुआ है, अपनी कम्युनिटी में लगाया हुआ है। मतलब फुल लॉन जितने भी व्यूअर्स हैं वो जनाब के थ्रू फुल लॉन फराह मैम के तरफ जा रहे हैं एंड इतने कम समय में इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, इवन व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो मतलब एक प्लानिंग जनाब की झलक के टाइम पे चल रही थी कि फराह मैम को जितना हो सके उतना पोटो ताकि वो जो है इसे झलक का शो जितवा दे। एंड अब जब वो चीज़ काम नहीं किया तो जनाब अब पीछे पड़ गए हैं फराह मैम को प्रमोट करने के पीछे कि मैं इनका यूट्यूब चैनल एकदम ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा ताकि किसी ना किसी तरह ये मुझे बॉलीवुड में जगह दे दे, मेरे साथ एक आध फिल्म बना ले या फिर मुझे एक आध फिल्म बनाने का मौका दे दे एंड मैं धीरे धीरे कर करके बॉलीवुड में घुस जाऊँ और अपने आप को महान समझूँ। तो ये मोटो फ़िलहाल अभी जनाब का चल रहा है। एंड इसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ कि फराह मैम ने जो लास्ट वीडियो डाला जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो जनाब के घर पे गई थी, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से जनाब एंड फैमिली ने अभी तक इस चीज़ को, इफ्तार पार्टी की जो वीडियो थी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, मतलब पूरे प्रॉपर वे में नहीं दिखाया। बिकॉज इतनी बड़ी प्रोड्यूसर आपके घर पे आ रहे हैं तो आप एक एक चीज़ को कैप्चर करके उसे एक अच्छा खासा कंटेंट बना करके दिखा सकते थे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि चबूतरा ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोला कि अब फराह मैम आ रही है तो अब मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ क्योंकि उनके सामने ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो रीज़न ये नहीं था। रीज़न था कि वहाँ पे फराह मैम का ब्लॉग शूट हो रहा था, फराह मैम भी अपने साथ एक चिरे चपाटे को लेकर के आई थी जो कि कैमरा उठा करके उनको शूट कर रहा था उनके ब्लॉग्स के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि उतनी बड़ी हस्ती के सामने ये तुच्छ से व्यक्ति, नल्ले निकम्मे, ये क्या ही स्टैंड कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों में से किसी ने भी कुछ खास कंटेंट कैप्चर नहीं किया एंड एक आध क्लिप जो कैप्चर की थी उसी के एक आध पिक्चर्स को एक साथ जॉइंट कर करके एक आध क्लिप्स को लगा करके उस दिन की पार्टी दिखा दी कि फराह मैम हमारे घर पे आई थी। जबकि फराह मैम जा करके पर्सनली सबसे मिली, चाहे वो नानी हो, अम्मी हो, चबूतरा हो, गुटका किंग हो, जो भी हो, घर के एक एक पर्टिकुलर पर्सन से वो जा करके मिली, सबसे बात की, ये सारी चीज़ें फराह मैम के व्लॉग में आप लोगों को देखने मिल जाएगी जो कि जनाब एंड फैमिली के व्लॉग से एब्सेंट थी। तो मेन रीज़न था बस यही, बिकॉज वहाँ पे फराह मैम ने इस कंटेंट को लिया था। अभी तक तो कंटेंट चुराने का जो मेन जिम्मेदारी है वो जनाब के सर पे ही था, लेकिन अब जनाब को भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट लेते हो अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, तो फिर कैसा लगता है। तो देखने में तो फ़िलहाल यही आ रहा है कि जनाब के जितने भी कंटेंट है अब वो सारे के सारे फराह मैम के चैनल पे दिखने वाले हैं। बिकॉज़ अच्छा खासा चैनल चालू कर लिया इन्होंने एंड इनके चैनल पे जो व्लॉग है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, लोग उसे देख करके बोर नहीं होते हैं। तो चलिए फिलहाल तो इसी टॉपिक के साथ मैं ये पॉडकास्ट में यहीं पर एंड करूँगी। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो हम ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए